What a choice, what a car. Really, mom, it's mind-blowing. Wow, superb. Mom, test drive पर चले? अरे सोनिया, पहले तिलक तो लगा लेने दो. अब नारियल फोड़ो. अरे करिया लाल. क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता. मेरे हाथों आपका खून. खून? क्यों? कन्हैया लाल, नारियल फोड़ना है लेकिन कार पे नहीं, जमीन पर. अच्छा, आओ आओ इधर. हाँ, दूर दूर और दूर. बोलो अम्बे मात की जय. वाह वाह वाह. सासू माँ, गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन शोरूम में व्हाइट कलर के सिवा कोई और कलर नहीं मिला. मेरा मतलब है लाल चटाक. मही, लाल रंग है ना, तुम्हारे जैसे लोगों को ही अच्छे लगते हैं. हाँ, क्लासी सोफिस्टिकेटेड लोगों को तो व्हाइट कलर ही अच्छा लगता है. व्हाइट कलर में जो क्लास और सोफिस्टिकेशन है वो और कोई कलर में कहाँ. काहे का क्लास? व्हाइट कलर तो एम्बुलेंस का कलर होता है. क्या क्या क्या. अच्छा, और लाल, लाल कलर तो फायर ब्रिगेड का कलर होता है. हाँ तो सासू माँ, फायर ब्रिगेड ना आग बुझाने का काम करती है, लगाने का नहीं आपकी तरह. और एम्बुलेंस भी जान बचाती है, जान लेती नहीं है तुम्हारी तरह. व्हाइट कलर रॉयल होता है, क्लासी होता है. और वैसे भी लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक है. काहे का प्रेम का प्रतीक? खतरे की निशानी होती है लाल रंग, तभी तो वो ट्रैफिक सिग्नल और ट्रेन के सिग्नल पे लाल कलर होता है. मॉम, वही आप दोनों क्यों बेकार की डिस्कशन में लाल पी ले रहे हो? मॉम आप सही कह रही है, व्हाइट कलर रॉयल कलर होता है. और फिर व्हाइट कलर शांति का प्रतीक भी तो है. ये बात है ना, तुम अपनी बीवी को समझाओ. मॉम, पॉलिटिकल दौरे पे जाना है तो अपनी नई कार ले जाओ ना, वो पुरानी कार से क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं सागर, वहाँ के रास्ते बहुत खराब है. मैं नहीं चाहती कि मेरी नई कार पर जरा सा भी स्क्रैच आए. तुम इन सबको घुमाने क्यों नहीं ले जाते? यस, मैं तब तक होकर आती हूँ. ओके मॉम, थैंक यू, बाय. नागल भैया, मैं वो गांव में बैठता हूँ ना, छकले पे ऊपर ऐसे ऊपर बैठ जाऊंगा. अरे क्या हो के भाभी, नई गाड़ी आ रही है. कन्हैया लाल भाई, नई कार है, पहला दिन है, आराम से बैठो ना. चलो चलो वही चल. हाँ नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है, आप लोग जाओ. क्यों? चलो सागर भैया. हाँ सागर भैया, क्या मजा आया. माय गॉड, वही मस्त मजा आ गया, मस्त मजा. अरे वही क्या मजा आया, वाटर राइड. माय गॉड, तुम्हें भी आना चाहिए था. हाँ मई भाभी, ये मैडम की नई गाड़ी तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है जैसे गलम तवे पे मक्खन फिसलता है. क्या बात है कन्हैया लाल बाबू. पर सोनिया ने तो फैसला कर लिया है, अब सोनिया को जब मूवी मिलेगी ना तब वो शूटिंग पर हर रोज यही कार लेकर जाएगी. हाँ मई भाभी, वो इतना ठंडी है ना, फिर भी हम लोगों ने गाड़ी का एसी चेक करने के लिए एसी चालू किया, और एसी चालू करते ही सब लोग की अंदर ऐसा गुल्फी दम गई. गुल्फी पे तो याद आया, सबके लिए गलमा गलम टाई बनाता हूँ. हाँ पर कन्हैया लाल, सोनिया के लिए मत बनाना, सोनिया को अभी पार्लर जाना है. ओके, सो आई एम लीविंग, बाय बाय भाभी. नागल भैया, आपके और मई भाभी के लिए लेके आऊँ ना काठिया वाली कलक टाई? तो गर्म गर्म चाय ले आई. क्यों मैडम, ये ट्यूबलाइट जैसा चेहरा फ्यूज बल्ब की तरह मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ नहीं. तो हमारी बीवी हमसे झूठ बोलना भी सीख गई है. सब आप की वजह से सागर जी, आपने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया ना. लग तो ऐसे ही रहा था कि आपको भी रेड कलर पसंद नहीं है, व्हाइट कलर ही पसंद है. अरे मैंने ऐसा कब कहा? अगर ये बात है तो ये जोरुआ गुलाम आज अपनी जोरू को खुश करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा. लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे? अरे वाह, लेकिन कार मैं चलाऊंगी. गुड जॉब. देख लिया मैंने कि आपको कितना प्यार है मुझसे. ओह माय गॉड, ये कार के डिस्कशन में प्यार कहां से आ गया? मैं ऑफकोर्स तुमसे प्यार करता हूँ. बस यही है आपका प्यार सागर जी? अगर पति अपनी पत्नी से प्यार करता हो ना तो उसकी हर फरमाइश पूरी करता है. ये अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो तुम. ओके ओके, चलो ठीक है, हम वो म्यूजियम के पीछे वाली रोड पे जाएंगे, वो थोड़ा खाली रहता है. लेकिन वही प्लीज यार, वो कार मॉम ने आज ही खरीदी है, थोड़ा संभाल के चलाना. थैंक यू सो मच सागर जी, आज तो कार
मजा 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 आ जाएगा। चलो चलते हैं। चलो चलो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घूमने आ रहा हूँ गाड़ी में। मई भाभी आप है ना, आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखना, मैं पीछे के ट्रैफिक का ध्यान रखूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बाबा ठीक है, आप भी चलना, चाय दे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे 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 भैया, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे ओह माय गॉड, करण अर्जुन की बजाय आप लोग आ गए। कोई बात नहीं वही मैंने ये डायलॉग है ना मॉडिफाई किया है, सुनो। मेरे करण अर्जुन, मेरे भाभी भाभी अभी मुझे कोई डायलॉग नहीं सुनना है आपका, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। क्यों क्या हुआ? शक्ल शक्ल टक्कल टक्कर मैडम की नई दादी थी दीवार के साथ टक्कल। ओह माय गॉड, मॉम की नई कार का एक्सीडेंट, पर कैसे? भाभी ये सब ना इस बुद्धू कन्हैया लाल की वजह से हुआ है। हाँ? एक मिनट, मेली वजह से कैसे? कल तो आप चला रही थी ना। हाँ? गाड़ी तो मैं ही चला रही थी, लेकिन गाड़ी बैक करते वक्त कार और दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखने के लिए तो आप खड़े थे ना। आती जाओ आती जाओ ये बोलने की क्या जरूरत थी, जब गाड़ी टकराने वाली थी दीवार से तब क्यों कुछ नहीं बोले? सुनो सुनो सोनिया भाभी, इन्होंने क्या कहा मुझसे कि दबी काल तकला है तभी मुझे बताना, तो दबी तक काल नहीं तकला है मैं कैसे बता सकता हूँ? काल तकला है तो मैंने बताया, भला बोलना। ये भगवान, मुट्ठी वगैरह ना मारो तो सो करो। ओह माय गॉड। हेलो सागर जी, सागर जी क्या सिचुएशन है? अरे मही सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है, गाड़ी की बैकलाइट चकनाचूर हो गई है और नंबर प्लेट के पास बहुत बड़ा डेंट आया है, मैकेनिक कह रहा है बनाने में बहुत टाइम लगेगा। सागर जी आप एक काम कीजिए, आप ना गाड़ी रिपेयरिंग करवा कर ही वापस लौटेगा। हाँ ठीक है, यू डोंट वरी। मही अगर मॉम को पता चल गया कि उनकी नई कार का एक्सीडेंट हो गया तो माय गॉड वो तो गुस्से में लेडी गब्बर लेडी मोगेमो बन जाएगी, उसका क्या? ओह माय गॉड मैं मॉम नहीं होगी तो क्या? हाँ दरवाजे पर पता नहीं कौन होगा, अगर मॉम होगी तो मैं देता हूं। हाँ। कोई नहीं। हाँ? क्या कोई नहीं है कन्हैया लाल, मॉम होगी तो? नहीं नहीं उसमें पूछने की क्या बात है, हाँ? जब भी जी चाहे नई कार देखने आ जाना। ओके सागर, मेरी नई कार लेकर बाहर गया है क्या? अच्छा नहीं नहीं सोनिया, क्या हाँ भी बोल रहे हो नहीं भी बोल रही हो? वो सोनिया के कहने का मतलब था नहीं। तो फिर कार कहाँ है? कार पोर्च में होगी। पोर्च में नहीं है तभी तो पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों कन्हैया लाल? नहीं सोनिया मैडम, मुझे लगता है गाड़ी चोरी हो गई। क्या? हाँ चोरी तो... क्या कर रही हो मही? अरे मही वो सासू माँ गाड़ी ना सागर जी गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। नहीं सोनिया और कन्हैया लाल तो कह रहे थे कि नहीं नहीं सासू माँ उनको पता नहीं है ना कि सागर जी गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। हाँ। इसीलिए नहीं। अच्छा पर सागर गया कहाँ? सासू माँ वो तो सागर जी को ही पता होगा ना कि वो कहाँ गए, अब हमें थोड़ी ना पता है, हमें नहीं पता।
इस घर में कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। एनीवेज कन्हैया लाल, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बनाओ। अचानक से पूछ लिया सागर कहाँ गया है, कार कहाँ है, तो सोनिया तो इतने सारे सवाल सुनकर घबरा जाएगी ना। भाभी मुझे लगता है अभी तक कार रिपेयर हो गई होगी ने? मैं ना फोन करके पूछ लेती हूँ सागर जी को। हेलो सागर जी, गाड़ी रिपेयर हो गई? अभी और टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, उनको बोलो टाइम लो पर रिपेयर करके दो अच्छे से। हाँ पर जल्दी जल्दी थोड़ा। हाँ प्लीज। अरे यार अभी तक गाड़ी रिपेयर नहीं हुई। अम्बे माँ, अम्बे माँ प्लीज अब आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए प्लीज। है किधर? आया सागर? मैडम खाना लगाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, सागर को आ जाने दो। पता नहीं कहाँ चला जाता है, बोल कर तो जाना चाहिए उसे। अभी उसको मैं फोन करती हूँ। मॉम मैं आ गया। भाभी मैं पानी पी लूं? हाँ हाँ आप ही पीजिए। सागर कहाँ चला गया था तू? वो भी मेरी नई कार लेकर। अरे सागर कुछ बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। ऐसा क्या कहना है तुझे? आपकी नई कार। नई कार? क्या हुआ मेरी नई कार को? अरे बोल ना क्या हुआ? नहीं नहीं मॉम आपकी कार को कुछ नहीं हुआ है। वो मॉम मेरे फ्रेंड अरविंद के भाई की शादी है और उसे बारात के लिए कार चाहिए थी, तो आपसे पूछे बिना मैंने आज रात के लिए उसे कार दे दी। सागर तूने मेरी नई कार किसी को बारात के लिए दे दी? अरे सागर देनी थी तो मेरी पुरानी कार देता ना। क्या किया सागर तूने? अरे अब भी वो शोरूम से आई है, वहां पे वो लोग कुछ लगा देंगे, कुछ स्क्रैच लग गया, कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? नहीं नहीं मॉम उसकी गारंटी मेरी है। मैंने ना अरविंद को क्लियरली कहा है भाई ये मेरी मॉम की कार है और इसका खास ख्याल रखना। और मॉम वैसे भी वो शादी 5-स्टार होटल में, कोई गली गुच्चे में थोड़ी है। वाह वाह सागर जी वाह, कितना पुण्य का काम किया है आपने। सासू माँ आपको ना सागर जी को शाबाशी देनी चाहिए। अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हुआ ना, जरा सा भी स्क्रैच है ना, तो नई कार बारात में दे दी। सागर जी आपने अरविंद के भाई की शादी का बहाना क्यों बनाया? वही तो क्या करता मैं, उस कार मैकेनिक टोनी ने कहा कि गाड़ी रिपेयर करते करते सुबह हो जाएगी। अब बताओ अभी रात को मॉम ने पूछ लिया कि गाड़ी कहाँ है, तो उन्हें क्या कहूंगा? जो गाड़ी सुबह शोरूम में थी वो गैरेज में पड़ी है। सागर ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? अरे मुझे तो पानी पीना। आई डोंट नो अरे कन्हैया लाल खाना खिलाओगे यार, कितनी भूख लगी। हम खाना खा लेते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। हेलो अरविंद, आज तो तुम्हारे भाई की शादी है ना? यार आंटी आप भी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे भाई की शादी। मेरा भाई तो 11th क्लास में है। अच्छा इतना छोटा है? नहीं 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 10th में 5 बार फेल हुआ था इसीलिए। अच्छा अच्छा तब तो चलता है। चुप। पानी खत्म हो गया। हाँ सागर तूने तो कहा था ना कि अरविंद को तूने कार दी है, फिर
मुझे पता था आपको ऐसा ही लगेगा। अरे ये अरविंद शाह है और मैंने कार अपने फ्रेंड अरविंद पटेल को दी है। अरविंद पटेल? हाँ। ये अरविंद पटेल कौन है? अरविंद पटेल मेरा नया फ्रेंड है। ऐसा कौन सा नया दोस्त है तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानती? मॉम उससे ना मेरी अभी अभी दोस्ती हुई है, बट वो बहुत अच्छा लड़का है, पर रिश्ता बहुत पक्का। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, यू डोंट वरी, आपकी कार को संभाल के रखेगा। मुझे लगा तुमने मेरी नई कार इस अरविंद को दी है। अब ये नया अरविंद कौन है जिसको तुमने मेरी नई कार दे दी? यार सागर, तूने बताया नहीं और नया दोस्त बना लिया। कांग्रेट्स यार, कभी मिलवा ना अरविंद से। अरे भाई मैं भी तो देखो ये पक्के रिश्ते वाला नया दोस्त कौन है। अच्छा आंटी चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है, 15 फरवरी को है, आप लोग जरूर आना पूरे परिवार के साथ। हाँ जरूर सर, जरूर आऊंगी। और मुझे कार की जरूरत नहीं है आंटी, चलता हूँ सागर, शादी में आना। और हाँ तुम्हारे नए दोस्त अरविंद पटेल को साथ लेकर आना। बाय आंटी, बाय। अनी ये कौन सा नया दोस्त है? होश बापा। अरे यार इस कार ने तो लाचार कर दिया। नहीं, नहीं, नहीं। क्या हुआ भाई? सागर जी, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा सासुमा को पता चल गया कि उनकी कार मैंने दीवार से टकराई है, और उसी का इंसाफ लेने के लिए वो मेरा सर दीवार से टकराने वाली थी। मही तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं सागर जी, मैंने तो सुना है सुबह के सपने सच हो जाते। अच्छा ठीक है, इससे पहले तुम्हारा सुबह का सपना सच हो मैं टोनी के गैरेज जाकर कार लेके आता हूँ। डोंट वरी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ताली तोहफे। थैंक यू। यालाल हटो ना। तो ये हाँ देख। थैंक यू। मही? हाँ? ये सागर सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो गैरेज वाले से गाड़ी लाने। क्या? हाँ 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 सासुमा, मैरिज वाले से कार लेने। सासुमा आप इतना क्यों घबरा रही हो? शांत हो जाइए, कार आ जाएगी। जहाँ आ जाएगी कार। घबरा मैं रही हूँ कि तुम? सासुमा बिना बात मुझ पर लाल पीली मत होइए। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं भाभी, भाभी मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी कार आ गई है। ये टोनी गैरेज वाला यहाँ क्या कर रहा है? तुम आ गए मेरे दोस्त, तुम आ गए। हाँ, थैंक यू। अरविंद पटेल जी मेरा नाम तो। अरे नाम को छोड़ो यार, नाम में क्या रखा है? तुम पहले मुझे मिठाई खिलाओ। मिठाई? किस बात की मिठाई? वाह, तुम्हारे भाई की शादी थी ना, और तुम मिठाई भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई मेरा भाई, मैं तुम्हें बाहर ले जाके मिठाई खिलाऊं। आ जाओ आ जाओ। अरे सागर, तुम्हारा नया दोस्त घर में पहली बार आया है और तुम उसे बिना खिलाए पिलाए बाहर ले जा रहे हो। ऐसे नहीं करते, आवा चाय पीकर जा। आवा जो बोलेगी ना उसके हाँ में हाँ करते रहना। कन्हैयालाल, सागर का नया फ्रेंड आया है, उसके लिए चाय लेकर आओ। अरविंद पटेल, तो कैसी रही शादी? अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी। और क्या नाम है तुम्हारे भाई का? गोविंद। गोविंद 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 के रोनी। हाँ गोविंद। फनी ना। आई नो मॉम, एक्चुअली उसके भाई का नाम गोविंद ही है, लेकिन ये लोग प्यार से उसे घर में रोनी कहते हैं। हाँ मैडम। हाँ अच्छा। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, वो सैटेलाइट रोड के कोने पर जो टोनी ऑटो गैरेज है ना, वो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलाता है? नहीं नहीं मैडम, मैंने तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया है। नहीं करवाया है पटेल भाई, नहीं करवाया है।
अरे मैंने खुद करवाया मैडम। नहीं करवाया है। अरे करवाया है। नहीं। पता है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि तुम वही टोनी ऑटो गैरेज वाले टोनी हो और अरविंद पटेल नहीं। अब तो चोरी पकड़ी गई है। तो ये भी बता दीजिए मैडम कि आपको कैसे पता चला कि टोनी गैरेज मेरा है। कल दौरे पर जाने से पहले मेरे ड्राइवर ने हवा भरवाने के लिए कार तुम्हारे गैरेज पर ही रुकाई, तभी मैंने तुम्हें देखा। ओह अच्छा, तुम जा सकते हो टोनी। हाँ टोनी, थैंक्स बाय और सॉरी भी। बाय बाय। सागर, अब जो भी है सच सच बताओ। मॉम, हुआ यूं, अब जब तुमने इतनी अच्छी कार चला ही ली है तो फिर तुम्हारे पिताजी को भी हमें बताना चाहिए ना। हाँ, आज शाम को फ्री तो हो ना, अगर कहीं पर जाना पड़े तो जा सकोगी ना। सागर तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं 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 सॉरी। हेलो, फोन मत कर। हाँ नमस्कार, मुझे आपसे कुछ पूछना है जी। क्या आज शाम को, रहने दो ना, आपके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का इवनिंग बैच खाली है ना? एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाना है। ओके थैंक यू। सागर, मही का आज शाम को मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करवा दो। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाए ताकि वो मेरी नई कार चला सके। थैंक यू सर।